हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं हूं सुरेश पुरोहित, और आज जैसा कि आप जानते ही हैं मुझे, और बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ हेल्थ इश्यू के कारण आप सबसे नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए आई एम रियली श्योर कि आपकी प्रिपरेशन में एक 4-5 दिन का गैप आया, लेकिन अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मैं गाँव में हूँ, क्योंकि हेल्थ के कारण मुझे गाँव में आना ज़रूरी हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो भी वीडियोस होंगे, जितने भी होंगे, मैं आपके लिए मतलब क्लास अपनी कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो जैसा आप जानते ही हैं मुझे, सुरेश पुरोहित पिछले 4 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है कि अनअकैडमी द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है कि अनअकैडमी पर रजिस्टर करना है, आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग जो ऐप है उसे अपने फ़ोन से इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल कर वहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा वहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होगी, डेली लाइव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसमें आपके आर एस प्री और मेंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा। इसके अलावा आपके लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, और अनलिमिटेड एक्सेस भी होगा। जैसा कि अनअकैडमी प्लस पर 119 लड़के जो है वो मेरे थ्रू जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लस पर हमारी क्लासेस जो है वो कुछ ही दिन में, मतलब विदिन 1 या 2 डेज में हमारी शुरू होने वाली है। और जो लोग हैं जो अपने आरएस के लिए प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर पूरे आपके आरएस की जो फीस है, प्री और मेंस विथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की जो फीस है, वो मात्र 8,400 रुपये, ठीक है, बहुत कम फीस है। अनअकैडमी का ये मानना है कि राजस्थान में जो गांव में भी जो लोग बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो आप देखोगे कि मात्र 8,400 रुपये जो है वो आपकी प्रीलिम्स की, सॉरी आरएस पूरे कोर्स की फी है। और यदि आप देखिए वहां पर जब आप पे करोगे, तो वहां पर एक ऐसा गिफ्ट बॉक्स होगा, रेफरल कोड, उसमें यदि कोड मेरा सुरेश10 यूज करते हैं, सुरेश10, तो यही जो आपको कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में, यानी कि इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड सुरेश10 कोड के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको बता दो, यहाँ पर मैं स्पेशल, जो भी जुड़े यहाँ पर मैं स्पेशल आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, जिसमें हर एक सवाल के बाद में आप उत्तर लिखकर मुझे भेजिए, उसके द्वारा मैं व्हाट्सएप पर अपने उत्तर देखकर, जो है आपके उत्तर देखकर मैं एवेल्युएट करूंगा क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सुधार करना है, कैसा फॉर्मेट है। तो आप देरी ना करें, अगर जुड़ना चाहते हैं तो देखिए आरएस पूरा आपके फाउंडेशन की जो फीस है वो मात्र 8,400 रुपये है। तो क्योंकि आपके लिखना बहुत जरूरी है, आपके मेंस जो है वो पूरा 800 नंबर का, उस 800 नंबर में से जो भी आप नंबर लाओगे उसके आधार पर ही आपकी रैंक जो है वो तय होने वाली है, फिर इंटरव्यू 100 नंबर का, लेकिन मैक्सिमम जो वेटेज है वो 800 मार्क्स पर है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है ना, राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र सेक्टर वाइज, हम वैसे इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन सेक्टर वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, क्योंकि लास्ट टाइम 1-10 नंबर का सवाल आया साइंस में कि राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई पहले या योजनाओं का उल्लेख करें, 10 नंबर का सवाल था। एक पुनः 5 नंबर का सवाल पूछा दूसरे पेपर में, थर्ड पेपर में, उसमें फर्स्ट पेपर में सॉरी उसमें लिखा कि शिक्षा क्षेत्र के किन्हीं 6 योजनाओं का नाम लिखिए, केवल नामों उल्लेख करें। तो यानी कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें महिला से जुड़ी हुई योजना एक जगह पढ़नी है, शिक्षा से जुड़ी हुई योजना एक जगह पढ़नी है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना एक, सॉरी शिक्षा नहीं, ये स्वास्थ्य था, क्या था, स्वास्थ्य था, ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं जो हमें एक जगह पढ़नी है, बाल कल्याण से जुड़ी हुई एक जो योजना हमें अलग अलग पढ़नी है। तो आज हमारा शिक्षा का क्षेत्र, राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र थ्रू इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहली बात कि शिक्षा की स्थिति, जैसे हम राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें एक मोटी मोटी बात जो है वो राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान में इतने विद्यालय हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने शिक्षक हैं। तो एक मोटा मोटा जो डेटा है वो हालांकि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको हम थोड़ा देखेंगे क्या होगा कि इसके आधार पर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके मन में एक समझ बनेगी, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे या जब भी अपना उत्तर लिखोगे, तो आपको लगेगा कि राजस्थान में तकनीकी शिक्षा में कितने कॉलेज कार्यरत हैं क्या, तो उसके आधार पर आपको चुनौतियों का भी पता लगेगा। जब स्थिति हमारी कवर हो जाएगी, थोड़ा
हो सकता है फैक्ट ज्यादा तो आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको योजना है जो एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होगा, जिसमें सर्वे की जितनी भी योजना है, जैसे राजस्थान सरकार की क्लिक योजना है, एक रेस मॉडल है, ज्ञान संपर्क पोर्टल है, ठीक है, ज्ञान पोर्टल है, फिर आप देखोगे कि प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है, इसके बारे में इस बार बहुत उल्लेख किया गया, आपसे पूछा जा सकता है, प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, तो इन ऐसी कई प्रकार की लगभग जो है हम 10 से 15 योजनाएं जो सर्वे के अलावा जो आपके डिपार्टमेंट की साइट पर है वो सारी हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और एक चीज और कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसमें क्या है कि मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा, आप चैट कीजिए, मैं फोन के थ्रू आपसे है वो चैट करता रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि एक बार आप इस पूरा वीडियो को देख ले, फिर उसके बाद में जो है, इसके बाद में आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे हम वहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान में शिक्षा की स्थिति की ओर। देखिए, राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है 3-4 लाइनें जो आप अपने उत्तर में शामिल जरूर कीजिए, कि शिक्षा जो है वो शिक्षा से एक तो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का कल्याण होता है, मानव का विकास होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, समाज को व्यापक सामाजिक लाभ होते हैं। यदि किसी समाज में शिक्षित वर्गों का या शिक्षित लोग ज्यादा हैं तो समाज में जो लाभ होंगे, समाज का जो स्तर होगा वो निरंतर बढ़ेगा, भले वो कुरीतियों को दूर करने में है, कोरोना जैसी बीमारी में किस प्रकार से समाज को संभालना है इस दिशा में। इसके अलावा शिक्षा से लोगों में उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि होते हैं, लोग जो होते हैं थोड़े प्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं, इनोवेशन उनमें होता है, तो उसके द्वारा जो है वो नई नई काम काम जो है शिक्षा जो है शिक्षा के द्वारा नई नई चीजों में वो अपना जो है भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा में मुख्य रूप से माना जाता है कि एक तो प्राथमिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा, जो हम ये जिसे हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा, जैसे मोटे रूप में कहें तो हम 8वीं, 5वीं से 8वीं, माध्यमिक शिक्षा जैसे 10वीं, ठीक है, और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो जिसे हम कहते हैं 12वीं, ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो एक मोटा आंकड़ा ये है कि राजस्थान सरकार कहती है कि हमारे पास में लगभग लगभग 35,000 के आसपास जो है हमारे यहाँ पर क्या है, प्राथमिक विद्यालय है, 19,700 के आसपास हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखोगे कि सॉरी, ये 5वीं तक के स्कूल है, ये उच्च प्राथमिक 8वीं तक के स्कूल है, और 10वीं माध्यमिक, 10वीं और 12वीं के जो स्कूल है वो मिलाकर हमारे पास में कितने हैं, 14,000। 14,000 प्रीलिम्स के लिए एक चीज ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्राथमिक विद्यालय, जो 5वीं क्लास तक के हैं, वो विद्यालय सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ये जो डेटा है सर्वे का, इससे एक समझ हमें ये बनी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा 5वीं तक के स्कूल ज्यादा है, उसके बाद आप देखोगे कि 8वीं तक के स्कूल ज्यादा है, उसके बाद आप देखोगे तो 10वीं और 12वीं तक के स्कूल राजस्थान में है, ठीक है, ये बात पता लगी। अब इसमें आप देखोगे तो ये देखिए बहुत मजेदार यहाँ चीज दी है आपके सर्वे में, कि इसके आधार पर आपको ये बात पता लगेगी। देखिए कि 2014-15 में, 2014-15 में यदि हम देखें कि 5वीं तक के स्कूल की बात करें, 5वीं तक के स्कूल की बात करें, तो 2014-15 में लगभग 41, ये देखिए याद नहीं करना, एक समझ बनाना बनाने की, 41,18,000 के आसपास जो है वो लड़के जो है उनका नामांकन किया गया था, और 41 लाख लड़कों पर 1 लाख राजस्थान में टीचर थे। यानी आप समझ सकते हैं, 41 लाख बच्चे जो हमारे 5वीं तक की क्लासों में पढ़ रहे थे, उसमें राजस्थान में शिक्षकों की संख्या कितनी थी, अराउंड 1 लाख। 1 लाख, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है। लेकिन 2018-19 की बात करें, 18-19 की बात करें तो बच्चे ज्यादा नहीं बढ़े, बच्चों का नामांकन है वो ज्यादा नहीं बढ़ा। देखिए, 2014-15, 15-16 में नामांकन बढ़ा, 16-17 में भी नामांकन बढ़ा, लेकिन 17-18 में जो है नामांकन कम हो गया है, ठीक है, बच्चों का नामांकन है, बच्चों के छोड़ने स्कूल छोड़ने की दर या विद्यालय आने की दर में कमी हुई। लेकिन पुनः 2018-19 में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, 41.70 लाख लड़कों का नामांकन हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छा ये संकेत हुआ कि शिक्षकों की जो संख्या है वो भी बड़ी है, ठीक है, 1.74 जो है 1,75,000 जो शिक्षक है वो कार्यरत है। अभी आपने सुना होगा कि रीट की भर्तियां जो अटकी हुई है, उसके कारण भी विद्यालयों में कई शिक्षकों के जो पद है, हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद जो है वो खाली है। उसका कारण यह है कि समय समय पर जो है भर्तियां नहीं हो पाती है। तो अभी आने वाले समय में जैसे अनाउंस भी हुआ है कि रीट की जो भर्ती है उसके आधार पर हम और जो है शिक्षकों को लेने की कोशिश करेंगे। तो एक मोटी समझ इससे क्या समझ में आया, डेटा याद नहीं करना है, आरएस अधिकारी के तौर पर इससे यह समझ में आया कि राजस्थान में छात्र और शिक्षक
अनुपात जो है वो कम है, यानी छात्र यदि 100 माने तो शिक्षक एक मिलेगा आपको, ठीक है। छात्र यानी इससे आधार पर छात्र 41 माने तो शिक्षक जो है वो आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान में जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात कम है, ये एक चुनौती है जिसे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे कैसे कि समय समय पर भर्तियां समय पर हो, धांधली ना हो, उसमें नोटिफिकेशन सही समय से आए, पूरी जो प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से हो, ताकि रिटायर्ड होने वाले शिक्षक और नए लगने वाले शिक्षक का जो समानता है वो इक्वल हो, उसमें जो है समानता है। आप देखिए उच्चतर उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 8वीं तक के हैं उसमें आप देखोगे कि शिक्षक जो है वो कम है। देखिए क्योंकि आप देखो ये बड़ी मजेदार चीज है, देखिए बच्चे बड़े हैं, देखो बच्चे 2014-15 की तुलना में बच्चे जो है लगभग जो है 2 लाख के आसपास बच्चे बड़े हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो 2014-15 में लगभग 1,42,000 जो स्टूडेंट जो शिक्षक थे 8वीं क्लास तक के, आप देखोगे कि लगभग आप देखोगे कि 1.8 लगभग की इसमें 36,000 के आसपास जो है शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। आप देख रहे होंगे ना कि ये बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर 8वीं तक के जो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट के, तो उसमें ये एक बड़ी समस्या है कि ये जो दर है वो घटी है। तो ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि आपके अंदर एक अच्छी समझ हो शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौती है। जब आप एक आरएस अधिकारी की तरह अपना उत्तर लिखे तो आपका उत्तर जो है वो एक टॉपर की तरह हो, ये ध्यान में रखना है। अब तकनीकी शिक्षा की तरफ जाए, तकनीकी शिक्षा यानी कि जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो राजस्थान में जैसे कि राजस्थान में जो ग्रेजुएट और जो है जो स्नातक उत्तर यानी कि जो मास्टर स्तर तक के जो इंजीनियर है कॉलेज है उनकी संख्या जो है वो 98 है। कितनी है? 98 है, जिसमें निजी कॉलेज ज्यादा है। कितने हैं निजी? 98 में से राजस्थान में 82 कॉलेज तो इंजीनियरिंग के जो है वो कैसे है प्राइवेट सेक्टर के हैं। राजस्थान सरकार के केवल 11 है, और राजस्थान सरकार के घटक के रूप में जिसमें राजस्थान सरकार थोड़ा वित्त पोषण भी कर रही है, मिलकर काम कर रही है, वो 4 है। तो एक समझ में ये बात आई कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर के जो इंजीनियरिंग के कॉलेज है वो ज्यादा है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जैसे कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार के अधीन कितने हैं? 11। राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेज है वो स्नातक या स्नातकोत्तर के हो, वो सारे जो है वो कोटा और बीकानेर जो हमारे विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय हैं उनसे संबद्ध है। जो कोर्स डिजाइन वगैरह किया जाता है वो या तो कोटा या बीकानेर जो यूनिवर्सिटीज है वो जो इंजीनियरिंग की उनसे ये जुड़े हुए हैं। राजस्थान में आप देखोगे कि 58 जो कॉलेज है वो एमबीए के हैं, याद नहीं रखना एक समझ के लिए, 58 कॉलेज जो है वो एमबीए के हैं, जिसमें 10 केवल 10 कॉलेज जो है वो राजस्थान सरकार के खुद के हैं। एमबीए के कॉलेज जो है वो राजस्थान सरकार के राजकीय है, गवर्नमेंट के। बाकी 48 जो कॉलेज है वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। वो किससे हैं? प्राइवेट सेक्टर के। सारे जो एमबीए संस्थान है वो हमारे कोटा विश्वविद्यालय जो है एमबीए का उससे संबंध है। और आप देखोगे कि राजस्थान में 2 बड़े केंद्रीय संस्थान भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे एक आईआईटी जोधपुर में है और एक आईआईएम कहाँ पर है? उदयपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। यदि आप पॉलिटेक्निक की बात करें, पॉलिटेक्निक विद्यालयों की बात करें तो राजस्थान में टोटल आप देखोगे तो 136 जो है वो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ठीक है, कितने हैं? 136 जो है वो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है। और सर्वे ये कहता है कि 44 जो है 44 जो है वो केवल राजकीय है, ठीक है, 44 जो है वो राजकीय है, जबकि 92 जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो क्या है, 92 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के, किससे है? प्राइवेट। ये डेटा याद नहीं करना, लेकिन एक चीज और कि राजस्थान सरकार में आप देखोगे कि राजस्थान में शिक्षा का जो क्षेत्र है, देखिए आने वाले समय में एक चीज और, आपके सिलेबस में पीपीपी मॉडल लिखा हुआ है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कई सेक्टर में कर रही है, भले वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण हो, बिजली का हो, सब क्षेत्र में आजकल प्राइवेट सेक्टर को लिया जा रहा है। अब एक चीज आप देखोगे कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के लिए प्राइवेट सेक्टर इतना जरूरी क्यों है, और उसको मजबूत करना भी जरूरी क्यों है, और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे राज्य सरकारें जो है वो इन चीजों से पीछे हट रही है और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है, अब सरकार क्या कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन कर रही है कि भाई हमने प्राइवेट कॉलेज तो है लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा ना हो, शिक्षकों की पढ़ाई मतलब टीचर जो है वो टाइम से आए, बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो, तो उनका रेगुलेशन किया जा रहा है, उनका जो है रेगुलेशन करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि संसाधन
अब राज्यों के पास, केंद्रों के पास इतने नहीं है कि वो केवल खुद ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। और आप देख भी रहे होंगे कि राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, उसमें प्राइवेट जो सेक्टर के कॉलेज है, स्कूल है, उनका स्तर राज्यों की, राज्य सरकारों की स्कूलों की तुलना में अच्छा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशन वो खुद भी अच्छा रखते हैं, मैनेजमेंट ठीक है, एक राज्य सरकार के पास में कई काम होते हैं, तो वो इतना गुणवत्ता के साथ में जो है वो कार्य नहीं कर पाती है। अब सरकार ने एक रेस मॉडल भी जैसे कॉलेज की शिक्षा में लाया है, जिसे हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके मन में एक समझ में आ रही होगी कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो मजबूत है। और पॉलिटेक्निक तो बहुत बड़ी चीज है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, क्योंकि पॉलिटेक्निक में वोकेशनल, व्यावसायिक जो शिक्षा होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है उससे उसको रोजगार मिल जाता है। भले ही वो उसका जो स्तर हो वो कम हो, लेकिन कम से कम बीए करने की तुलना में तो पॉलिटेक्निक करना अच्छा है। उसके माध्यम से जो है आपको शिक्षा, शिक्षा जो है वो अच्छी, शिक्षा के साथ में सॉरी, आपको रोजगार अच्छा मिल सके, आपकी एक अर्निंग तो शुरू हो जिसके आधार पर आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए कि 136 राजस्थान में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन लेकिन आप देखोगे कि राजकीय जो है वो 44 ही है, जबकि निजी जो है वो 92। समझ क्या बनी कि राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर मजबूती के स्थान में है। ठीक है, अब चिकित्सा शिक्षा ये तो बहुत जरूरी है, कोरोना के कारण आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, चिकित्सा ठीक है, हेल्थ जो एजुकेशन है, आप देखोगे कि राजस्थान में जो हेल्थ एजुकेशन है, भले वो नर्स बनाने से लेकर एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की बात करें, तो राजस्थान में 22 जो है वो चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसमें निजी क्षेत्र के 6 ही है। निजी क्षेत्र के कितने 6 है, यहाँ पर उल्टा है। देखिए हेल्थ सेक्टर में आप देखोगे कि हेल्थ एजुकेशन में गवर्नमेंट सेक्टर का बड़ा रोल है। ठीक है, ये एक अच्छी बात मिली, कभी प्रीलिम्स में भी इस प्रकार का डेटा आए तो ध्यान में रखिए कि राजस्थान में हेल्थ जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन में गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज ज़्यादा है, लगभग 22, और निजी क्षेत्र के 6 हैं। अभी सरकार ने, अभी आपने सुना होगा कि 15 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल देखोगे कि जिन भी जिलों में जो चिकित्सा महाविद्यालय है, जहां पर जो है महाविद्यालय, वो हॉस्पिटल का भी कार्य कर काम करते हैं। आज है वहां पर कोरोना के जो पेशेंट है उनका इलाज किया जा रहा है, उस महाविद्यालय के जो जो भी जो स्टूडेंट्स है वो एज ए नर्स की तरह, एज ए जो है वो डॉक्टर की तरह वहां पर भूमिका अदा कर रहे हैं। उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जो भी बच्चे जो थे वो जो पढ़ रहे थे वहाँ हेल्थ एजुकेशन में, उनको बुला दिया गया है। तो सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया। हाल ही में जो कांग्रेस की सरकार है उनका ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने 15 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। और एक बात बता दूं कि लंबे समय के बाद में ये चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान में खोले जा रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में जो है आप देखोगे कि एक स्ट्रक्स आ गया था, लेकिन एक अच्छा स्टेप है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं, एक मोटी मोटी समझ जो है हमने डेटा के माध्यम से ये बताया, बनाई बनाने की कोशिश करी कि छात्र और शिक्षक का रेशियो थोड़ा कम है, एक चुनौती सबसे बड़ी वो है, और चुनौतियों की आगे हम बात करेंगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर मजबूती की स्थिति में, शिक्षा के क्षेत्र में ओवरऑल बात करें तो प्राइवेट सेक्टर मजबूती की स्थिति में है, हालांकि वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता है, फीस को लेकर कई बार समस्या आती है, तो उसमें जो है सरकार रेगुलेशन की तरफ बढ़ती है आगे। अब चलते हैं शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम केवल स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर एक 5 नंबर का सवाल पूछा गया और एक 10 नंबर का सवाल पूछा गया। 10 नंबर का सवाल पूछा गया साइंस में, ठीक है, साइंस में, और 5 नंबर का सवाल पूछा गया आपके आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में। तो हमें सेक्टर वाइज पढ़ना ही था, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मॉडल, हालांकि मॉडल में कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि राजस्थान में जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज आप देखोगे कि सरकारी कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि वहां पर शिक्षा का जो स्तर है वो सही नहीं है, या शिक्षा का जो स्तर है उसका जो दर्जा है, वहां पर वित्त की बात करें, वहां पर पढ़ाई की बात करें, वहां पर संसाधनों की बात करें, तो राजस्थान में कॉलेज शिक्षा जो है, हम भी पढ़े हैं आप भी पढ़े हैं, बड़ी एक समस्या है। तो अभी हाल ही की जो सरकार है उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया काम किया जाए, तो इन्होंने एक रेस मॉडल, राजस्थान का नया उच्चतर शिक्षा मॉडल, रेस मॉडल की शुरुआत की। इस मॉडल पर भी सवाल पूछा जा सकता है, जिसका पूरा जो नाम है वो है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। ठीक है, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर
फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस रेस मॉडल, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्कृष्टता के साथ में कॉलेज के लिए संसाधन सहायता। इसमें क्या है कि जिला स्तर पर के जो सरकारी कॉलेज है उनके बीच संसाधनों की उपलब्धता हो, ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता हो, उसके लिए इस मॉडल की शुरुआत की गई कि जिला स्तर पर विभिन्न जिलों में जो हमारे जो कॉलेज है उनमें जो संसाधनों की कमी होती है उसके लिए कुछ काम किया जाए। तो इसमें सुविधाओं के वितरण के लिए एक पूल का निर्माण जो है वो ये रेस मॉडल करेगा, जिसमें क्या होगा कि जैसे ये राज्य सरकार है, ठीक है, ये राज्य सरकार है और ये जो हमारे जिला के जो है कॉलेज है, अब इनको जो संसाधनों की कमी थी तो उसके लिए जो है कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके आधार पर जो है हम क्या कहे कि इसका निराकरण किया जा सके। तो सरकार ने सोचा कि हर बार जो है वो जिला में यदि कॉलेज में प्रॉब्लम होती है पैसों की वगैरह की तो उसके लिए राज्य सरकारों के पास में आना पड़ता है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, रेस मॉडल, जिसमें यदि जिला की जो कॉलेज की समस्याएं हो जो संसाधनों की, उसको जो है बीच में स्थानीय स्तर पर ही इसका समाधान किया जा सके। जैसे कैसे किया जा सके कि जैसे वित्त की समस्या है तो भामाशाह वगैरह है, इनसे हम जुड़ाव कर सकते हैं, ठीक है, कॉलेज में जो है तो उसको जैसे स्वविवेक जिला विकास कार्यक्रम के तहत कलेक्टर कलेक्टर जो है वो एक फंड मुहैया करा दे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारे MP जो होते हैं उनके लिए एक फंड जो होता है सालाना, वो 5 करोड़ रुपए, विधायक जो है वो सालाना 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, तो वो जो है उनको प्रमोट किया जाए कि वो जो है इस संसाधन की जो कमी है, रेस मॉडल विशेष रूप से संसाधन कि इसके लिए कुछ काम किया जाए। तो इस मॉडल में जो है मॉडल में सुविधाओं के वितरण के लिए एक पूल का निर्माण करेगा जिसमें बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले कॉलेज लाभान्वित होंगे। ऐसे कॉलेज जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी की है, बोर्ड की है, किताबों की है, कंप्यूटर की है, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वहां पर इस प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सभी जो कॉलेज है, क्योंकि कई कॉलेज है उसमें अच्छे कॉलेज, जैसे आप देखोगे कि जयपुर के आसपास के जो राज्य है जिले हैं उनमें आप देखोगे कि वहाँ कॉलेजों का स्तर अच्छा है, लेकिन जो बॉर्डर पर जो आपके जिले हैं वहाँ पर देखोगे कि बहुत बड़ी समस्या है, तो वहाँ पर समान अवसर प्राप्त होंगे। यह मॉडल छोटे जो हमारे छोटे शहर है उसमें कॉलेजों की मदद करेगा, प्राध्यापक और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना जो कर रहे हैं हमारे छोटे शहर के जो कॉलेज हैं उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, निर्णय लेने में शक्ति देगा, विकेंद्रीकरण करेगा, जिले के भीतर भौतिक व मानव संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल, यदि आप संसाधन उचित तरीके से आप यूज करोगे तो आपका जो मानव संसाधन है वो अच्छा जो है वो कार्यरत होगा। इसमें कॉलेजों को स्वायत्तता भी दी गई है कि आप अपनी समस्याओं को खुद देखिए कि आपको क्या समस्या है और उन समस्या को है आप स्थानीय स्तर पर खोजने की मदद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है नागौर में डेगाना है, डेगाना में यदि सरकारी कॉलेज है तो वहाँ जो समस्या है तो वहाँ के जो जो भी टीचर है वगैरह है, जो भी वहाँ के हेड है, उनको कहा गया कि आप देखिए कि आपके कॉलेज में क्या समस्या है और उसको आसपास से खोजने की कोशिश कीजिए। कोई आपको भामाशाह मिल रहा है, कोई ऐसी फंडिंग मिल रही है जहाँ से आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो, तो क्योंकि राज्य सरकार को पता है कि उनके पास जो है वो वित्तीय संसाधनों की कमी है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा मॉडल है। सरकार ने क्या किया है कि सुधार करने के लिए विकेंद्रीकृत मॉडल, ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत मॉडल है, इसमें समस्या का समाधान जो है वो लोगों को शामिल कर समस्या का समाधान खोजा जा रहा है और आने वाला समय ऐसा ही होगा, आने वाला समय ऐसा ही होगा। अब आप देखोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में दो स्पेशल जो मंच है जिसमें एक मीना राजू गार्गी मंच है और एक जो है वो है अध्यापिका मंच। ये है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए मीना राजू जो है वो क्या है, कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं का समूह है और गार्गी जो मंच है वो कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं का समूह है। ये बालिकाएं क्या करती है कि ये अपने स्कूल में ही एक छोटा सा जो है मंच, मतलब एक छोटा सा एक ग्रुप बनाती है और मीना मंच जो होता है वो कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं का है और गार्गी मंच जो है वो कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं का है। ये जैसे जगह जगह जैसे है घूमती है गलियों में और उनकी एक रैली निकलती है कि दहेज प्रथा और बाल विवाह को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्ची को 8 वर्ष की उम्र में ही यदि जो है स्कूल शिक्षा से निकाल कर यदि उसकी शादी कर दी जाती है बाद में, तो कहीं ना कहीं जो है बाल विवाह है या दहेज प्रथा जैसी समस्या आती है। फिर ये बालक और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती है, गांवों गांवों में जैसे गलियों में जाकर उनको माता पिता को समझाती है कि आप जो है अपने बालकों को, अपने बच्चों को जो है आप जो है स्कूल भेजिए। ये तो मिलकर करते हैं बच्चे। अब ऐसा ही एक मंच बनाया गया अध्यापिका मंच, जिसमें जो है 100 शिक्षकों का एक समूह होता है, ब्लॉक स्तर पर बनाया जाता है कि एक जिले में जो कई ब्लॉक है
एक जिले में जो कई ब्लॉक है, तो जैसे जगह जगह जो है, जैसे एक जिले में जो चार ब्लॉक है, तो चार ब्लॉकों में आसपास की 100 जो शिक्षिका है उनका जो है एक मंच बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, अध्यापिका मंच। और समय समय पर इन्हें जो है एक दिन की छुट्टी या कभी हॉलीडे पर जो है इनको कहा जाता है कि विद्यालय में किस प्रकार से शैक्षणिक स्तर यानी शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए, छात्रों के लिए किस प्रकार से जो है मित्रवत वातावरण जो तैयार किया जाए, तो इस प्रकार से जो है उनसे राय मांगी जाती है कि क्योंकि महिलाएं जो होती हैं या महिला टीचर स्पेशल रूप से समझ सकती हैं कि बालिकाओं को किस प्रकार की समस्याएं आती है एक विद्यालय शिक्षा में। अभी वर्तमान में जो है 301 अध्यापिका मंच जो है वो कार्यरत है और वो इस प्रकार से आपके सर्वे में है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। भले ही आपको बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके यदि मेंस में सवाल आता है ना, एक सवाल भी मैंने आज लिखा है आपके लिए लिखने के लिए, तो आप इसमें शामिल कीजिए क्योंकि ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप इसे शामिल कीजिए। अभी ब्लॉक स्तर पर 301 अध्यापिका मंच जो है वो कार्यरत है। अब देखिए, एक अच्छी स्कीम मुझे ये लगी, परिवहन वाउचर योजना, जिसके जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम जो है बड़ी उम्दा स्कीम है। तो आप देखोगे कि राजस्थान में आप देखोगे कि कई छोटे छोटे गांव है जिनको आसपास जो है बड़े गांवों में जाकर जो है स्कूल जाना पड़ता है। जैसे 5वीं तक तो इनको अपने गांव में स्कूल मिल गई, या तो ढाणी भी होती है, जैसे यहाँ ढाणी से है गांव में आना है तो वो चलकर आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से उनको समस्या होती है, या 10वीं के लिए उनको थोड़ा गांव से बड़े गांव की ओर जाना है तो वो उनको हर दिन जाना है। अब गवर्नमेंट स्कूल में आमतौर पर कौन लोग पढ़ते हैं, जैसे बहुत अपनी जैसे अपन गांवों से जो लोग आते हैं ज़्यादातर उनकी शिक्षा हुई है, या जिनके पास में प्राइवेट स्कूल नहीं है या उनकी फीस ज़्यादा है, तो आमतौर पर हमारे समाज का वो वर्ग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में आमतौर पर पढ़ाई करता है। लेकिन हालांकि कई दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको दूरी तय करनी है तो हर दिन बैठ के आएगा, 5-10 रुपए खर्च करने होंगे। तो सरकार ने एक ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम की शुरुआत की जिसमें वाउचर प्रदान किए जाते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के जो ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना, देखिए 2007-08 में ये योजना शुरू की गई थी लेकिन 2013-14 में उसमें कुछ संशोधन किए, उन संशोधनों को ही लेकर आया हूं कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं और जो अपने किसी ढाणी में रहते हैं और वो आस आस पास के एक गांव में जा रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, ठीक है, एक गांव में जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर की दूरी है तो उनको एक वाउचर दिया जाएगा, पैसों का नहीं होगा, एक वाउचर होगा, उसको वाउचर साथ में दे दिया जाएगा, जब भी वो जाएगा किसी बस में बैठ कर वगैरह तो वाउचर दे देगा, तो वाउचर देकर उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो 2 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर तक सरकार ने ये सोचा है कि 2 किलोमीटर तक हम जो है इनको स्कूल प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, या ऐसा है हमारे गांव में, हमारे राज्य सरकार की ये जो है नीति है। तो जैसे कहीं से जैसे 2 किलोमीटर की यात्रा तय करके जो है कक्षा 6 से 8 तक का बच्चा आता है तो उसको भी ट्रांसफर वाउचर दिया गया। इसी प्रकार से जो है कक्षा 9 से 12 तक के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो 5 किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं उनको भी ट्रांसफर वाउचर दिया जाता है। अब जैसे कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर बसें ही नहीं चलते सरकार की, है ना, या प्राइवेट सेक्टर की बसें जो है उनको भी ट्रांसपोर्ट वाउचर दे दिया जाए तो वो जमा करके पैसा उनको मिल जाता है, तो बसें नहीं चलती हैं, तो वहां पर ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि सरकार जो है इनको साइकिल प्रदान भी करे, क्या करिए, साइकिल प्रदान, कि भाई साधन ही नहीं चलेगा तो वाउचर देने का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए कि सरकार ने कितना डीप में जाकर सोचा है ना, बिल्कुल प्लानिंग, ये भी आपकी तरह एक RS अधिकारी या IAS अधिकारी होगी, उनके दिमाग की उपज होगी, उनके दिमाग की उपज होगी, तो बहुत अच्छी स्कीम है। आप अपने स्कीम में इसे शामिल, अपने उत्तर में इसे बिल्कुल शामिल कीजिए। आपका उत्तर भले ही पहले साधारण हुआ करता था लेकिन अभी आपके उत्तर को इन सबको शामिल करते हुए अपने उत्तर को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये एक स्कीम शुरू की गई, ऐसी एक आप स्कीम देखोगे कि उत्कृष्ट विद्यालय योजना और आदर्श विद्यालय योजना, ये दोनों अलग है, ठीक है। उत्कृष्ट विद्यालय जो पहले सबसे पहले आई थी आदर्श विद्यालय योजना, ठीक है, मैं आपको बता दूं, फिर पहले आई थी आदर्श विद्यालय योजना 2015-16 में आई। इसमें यह था कि प्रत्येक जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो माध्यमिक है, माध्यमिक मीन्स जो 10th तक की जो स्कूल है, ठीक है, 10th तक या उच्च माध्यमिक 12th तक की स्कूल है, तो 10th तक और 12th तक की जो स्कूल है उनको क्या करना है कि आपको एक मॉडल, एक आइडियल जो स्कूल है आपकी उसकी तरह बनाना है, इसमें मॉडर्न फैसिलिटी हो, अच्छे से जो है बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें हो, टीचर टाइम से आए, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है, बुक्स वगैरह प्रॉपर हो, तो इस प्रकार से जो है एक आदर्श कक्षा 10वीं से 12वीं जो है उसमें से किसी भी एक ग्राम पंचायत में किसी भी एक स्कूल को आपको क्या बनाना है, आदर्श विद्यालय बनाना है
दसवीं और बारहवीं में से किसी भी एक को किसी भी एक गांव का, ग्राम पंचायत का, ठीक है। वैसे उत्कृष्ट जो आई वो इसके एक साल बाद में आई, 2016-17 की सत्र में आई, विद्यालय 2016-17 की ये जो सत्र है उसमें उत्कृष्ट विद्यालय योजना आई, जिसमें ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक यानी पांचवी या आठवीं तक के जो स्कूल है उसमें से किसी भी एक को क्या करना है आपको, उत्कृष्ट। यदि वो पांचवी से आठवीं तक का स्कूल होगा तो उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, ठीक है, इसमें शामिल होगा, और दसवीं से बारहवीं तक का होगा तो वो आदर्श विद्यालय योजना के रूप में कार्यरत होगा। कि सरकार देखिए कितना अच्छा काम है कि यदि हमें एक ग्राम पंचायत के एक भी स्कूल को यदि हम अच्छा बना ले तो उस कम से कम कुछ तो सुधार हुआ वहां पर, ठीक है, कुछ तो सुधार हुआ। ऐसी एक योजना 2017-18 में राजस्थान सरकार ने शुरू की, क्लिक योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। आज जो क्लिक योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, 2017-18 में शुरू की गई, जिसमें क्या था कि राजस्थान में जो हमारे राजकीय विद्यालय है उसमें जो कंप्यूटर शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, बहुत जरूरी है आजकल कंप्यूटर लिटरेसी बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देखिएगा कि माध्यमिक, दसवीं, बारहवीं और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के, जिसके आगे में बात करेंगे, राजस्थान सरकार के इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, तो इन तीनों में कक्षा दसवीं, कक्षा बारहवीं, क्योंकि दसवीं के बाद में ही आमतौर पर आप कंप्यूटर थोड़ा ढंग से चला सकते हैं, एक अच्छी समझ बन सकती है, तो सरकार ने सोचा कि दसवीं से हमारे जो राजस्थान सरकार के जो राजकीय विद्यालय है उसमें दसवीं से हम क्या करें कि कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करें, जैसे वन और कंप्यूटर का रखे, ठीक है। तो 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई, जिसमें दसवीं, बारहवीं और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों को शामिल किया गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है उनके कक्षा 6 से 10 तक, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ क्या सरकार ने जो है उनमें कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक को शामिल किया गया है, बाकी इनमें दसवीं और बारहवीं को ये ध्यान रखना है। इसमें कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी और कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी एक स्पेशल, और इनको वहां पर जो है कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक ऐसी योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपने नाम सुना होगा, 2015-16 में यह योजना शुरू की गई, जिसमें कक्षा 10 की, प्रत्येक जिले में जो कक्षा 10 की टॉपर जो होती है, लड़की जो होती है कक्षा, जिसने 75% से ज्यादा अंक पहले तो प्राप्त किए हो और वो टॉपर हो, ठीक है, तो प्रत्येक जिले की कक्षा 10 की जो पहले जो थी, पहले क्या था कि फर्स्ट रैंक आने वाली और सेकेंड रैंक आने वाली को ही इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन बाद में क्या किया कि फर्स्ट रैंक आने वाली, सेकेंड रैंक आने वाली, उसके अलावा जो है बीपीएल में टॉपर कौन है, बीपीएल में टॉपर कौन है और एक अनाथ, तो हर जिले से, यानी कि मान लीजिए राजस्थान में 33 जिले हैं तो हर जिले से 4 बालिकाओं का चुनाव किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत 33 × 4, ठीक है, लगभग 4 से 12, 132, 132 लड़कियों का हर साल जो है सिलेक्शन किया जाता है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। और उनको क्या सुविधा प्रदान की जाती है, सुविधा ये प्रदान की जा रही है, देखिए समझ में आया ना, कि कक्षा 10 की फर्स्ट एंड सेकंड टॉपर, भले वो किसी भी जाति की हो, पहली बात तो ये, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपर किसी भी जाति की हो, ओबीसी की हो, जनरल की हो, ST ST की कोई भी हो, पहली तो वो दोनों शामिल होगी। फिर तीसरी बीपीएल टॉपर, वो जरूरी है कि बीपीएल टॉपर की, भाई वो जनरल में दोनों है तो बीपीएल को भी एक शामिल, और चौथी होगी अनाथ। तो इन 4 लड़कियों का चयन किया जाता है। जब वो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करेगी, 11वीं और 12वीं की जब वो पढ़ाई करेगी तो उन्हें 15,000 रुपये वार्षिक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 11वीं में 15,000 और 12वीं में आएगी तो 15,000, ताकि वो बुक्स वगैरह, अपने कपड़े सिलवा सके, शूज वगैरह, स्टेशनरी के लिए, और साथ में 1 लाख रुपये और प्रदान किया जाएगा, जैसे उनको ट्यूशन करना है, 11वीं और 12वीं किसी शहर में जाकर पढ़ाई कर रही है तो वहां पर रहने का भी खर्च होगा। तो इन बालिकाओं को 11वीं और 12वीं के लिए वार्षिक 15,000 रुपये वार्षिक और 1 लाख रुपये एक बार दिया जाएगा, यानी कि 11वीं 12वीं के लिए पूरा 1 लाख रुपये एक बार दे देंगे कि भाई आप जाके वहां रहोगे वगैरह, टेबल वगैरह सब लाना होगा। वो दूसरे आपको हम हर साल यानी 2 साल आपको 15,000 रुपये आपके खाते में जमा कर देंगे, ताकि आपकी बुक्स वगैरह है, फीस वीस वगैरह है, वो सारी चीजें। लेकिन इसके साथ में जब वो कॉलेज में आ जाएगी, कॉलेज में आ जाएगी तो कॉलेज आमतौर पर 3 साल की कॉलेज में आ जाएगी, तो उसमें 2 लाख रुपए एक बार में दिए जाएंगे, कॉलेज की फीस वगैरह है, यदि बाहर जाकर पढ़ाई करनी है तो वहाँ रहने वहने का खर्चा है, तो 2 लाख रुपए एक बार दिए जाएंगे और 25,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, यानी कि यदि आप वो 3 साल, 3 वर्षीय कॉलेज कर रही है तो 25,000 × 3 ईयर्स के लिए लगभग 75,000 रुपये देंगे, और वो यदि बीटेक वगैरह कर रही है तो 4 साल के लिए उनको इस प्रकार से प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है। देखिए इसको कैसे कि जो बालिकाएं होती है जो आगे पढ़ना चाहती है, सरकार ने सोचा कि आमतौर पर बालिकाएं जो राजस्थान में है वो 10वीं के बाद उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, क्योंकि एक तो ये कि कई
कई परिवार ऐसे हैं कि वो नहीं भेजना चाहते कि भाई बाहर जाना पड़ेगा 11वीं 12वीं के लिए, गांव से बाहर जाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, रहने वहने का खर्चा है वगैरह है। तो सरकार ने सोचा कि महिला शिक्षा में बढ़ोतरी करनी है तो जरूरी है कि हम 11वीं 12वीं से लेकर कॉलेज तक की जो उनकी शिक्षा है आगामी, उस तक की हम पूरी फंडिंग करें ताकि पैसों को लेकर वो चिंतित ना हो, पूरा ध्यान जो वो अपनी पढ़ाई में कर सके। अब देखिए वो कॉलेज के समय यदि आरएस की भी तैयारी करना चाहती हैं तो वो जो है इस यहाँ पर जो है अपनी कॉलेज के साथ में आरएस की तैयारी भी कर सकती है, ठीक है। एक उनको जो है बहुत अच्छी फाइनेंशियल जो है उनको सपोर्ट मिलेगा इस योजना के तहत। और हर साल हमारे हर एक जिले की 4 बालिका इससे लाभान्वित तो होती है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक अभी ये नया इनिशिएटिव लिया है सरकार ने हाल ही में, अक्षय पेटिका, ठीक है। अक्षय पेटिका बड़ी, देखिए मैंने कहा था ना कि सरकार के पास में फंडिंग की थोड़ी कमी रहती है तो जरूरी है कि भामाशाह वगैरह सामने आए। तो अक्षय पेटिका में क्या है कि एक टाइप एक बॉक्स है, एक फंड है जिसमें विद्यालय की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, सामान्य आवश्यकताएं जैसे बिजली का बिल से लेकर आप चौक है वगैरह है, कुर्सी टूट गई है वगैरह है, पेपर चाहिए वगैरह चाहिए, ठीक है, वो सारी जो पंखे वगैरह सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिभावक जो बच्चे जहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि आप कुछ फंड कर सकते हैं। शिक्षक खुद अपनी सैलरी में से कर सकते हैं और दानदाता अपनी क्षमता अनुसार इस अक्षय पेटिका में पैसा भर सकते हैं ताकि सामान्य आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। और अभी सरकार ने कहा कि हमने लास्ट ईयर 2018 में इसे शुरू किया था और एक साल में लगभग 1.43 करोड़ रुपये जो है वो लोगों ने जमा की। अच्छी बात है, कुछ ना से तो कुछ हुआ, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है सरकार ने लिया। ऐसे ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन, हालांकि ये बहुत पुराना है लेकिन इस बार इस फाउंडेशन को सर्वे में लिखा गया, इस बार इस सर्वे को लिख सर्वे में लिखा गया। तो इसे ध्यान में रखिए कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें बालिका शिक्षा को सहायता देनी है। 1994-95 में गठित किया गया है और आर्थिक दृष्टि से जो निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको उच्च व तकनीकी शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता किस प्रकार की दी जा सके, तो ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन से नाम ध्यान में रखना। ऐसे अभी पहले आप देखोगे कि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। अब देखिए अक्षय पेटिका में क्या था, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किससे, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन बड़े भामाशाह थे तो उनको ये था कि वो जो है विद्यादान, कि भाई मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में कुछ पैसा जमा करे, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में कुछ पैसा जमा करे। तो 5 अगस्त 2017 को ये कोष शुरू किया गया था जिसमें जो है विभिन्न जो जैसे आपको पता होगा कि राजस्थान में जो भी कंपनियां कार्यरत हो तो होती है तो उनको अपने पिछले 3 साल का जो भी लाभ है उसका उन्हें 2% जो है वो उन्हें क्या करना है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के रूप में खर्च करना है। तो कई ऐसे जो कंपनियां थी जिनका मानना था कि ये हमारा जो ये 2% जो लाभ का 2% हिस्सा है वो शिक्षा के क्षेत्र में हम खर्च करना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार ने कहा कि एक काम कीजिए, आप जो है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जमा करवाइए क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च करने वाले हैं और हमें पता भी है कि कहाँ पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना है कहाँ पर। तो ये पहले ऑफलाइन कोष हुआ करता था लेकिन अब इसका नया रूप आ गया है, ज्ञान संपर्क पोर्टल, ठीक है। ज्ञान संपर्क पोर्टल, आपने ऐसा लोगो भी देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है फंड सपोर्ट इंप्लीमेंट, ठीक है, ज्ञान संपर्क पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसमें कोई भी कंपनी कोई भी दानदाता जो राजस्थान सरकार की में शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करना चाहता है पोर्टल पर जाइए और आपने UPI बैंक वगैरह से आराम से पैसा जो है वो वहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इससे आप देखोगे कि राजस्थान के 63 सर्वे कहता है, राशि तो उन्होंने उल्लेख नहीं की है लेकिन सर्वे कहता है कि लगभग राजस्थान के 63,000 विद्यालय जो है वो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के इनको फायदा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, आप जब अपना उत्तर लिखे ना, आप अपना उत्तर लिखे तो उसमें जरूर इसे लिखिए कि हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में जो वित्त की समस्या है उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो दो बड़े इनिशिएटिव लिए गए जिसमें ज्ञान संपर्क पोर्टल, इसमें भामाशाह जो है वो विद्यालय में आधारभूत संरचना के लिए जो पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा विद्यालय स्तर पर जो सामान्य स्तर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए जो अक्षय पेटिका शुरू की गई है। तो ये दो इनिशिएटिव जो है वो विद्यालय से हमारे विद्यालय शिक्षा में जो वित्त की समस्या है उसको कम करने में आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे, ऑफिशियल बात करेंगे, ज्ञान संपर्क पोर्टल अक्षय पेटिका अंडरलाइन नीचे करोगे तो आपका उत्तर सोचिए कि कितना उम्दा होगा। वो एग्जामिनर भी
आपसे खुश होगा कि हाँ सरकार की, देखिए आपको किसका हिस्सा बनना है, सरकार का हिस्सा बनना है, तो आपको सरकार की योजना है, कार्यक्रम है, उनकी जानकारी आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। आपके उत्तर को सामान्य से हमें क्या बनाना है, विशेष बनाना है। जब हमारा उत्तर सामान्य से विशेष बन जाता है तो हमारे स्टॉपर बन जाते हैं। तो विशेष सामान्य से विशेष बनाने में हमें कंटेंट पर काम करना है। कंटेंट यही है, कंटेंट वो है जो राजस्थान सरकार, राजस्थान के विभाग, जिन सेक्टर से जुड़े हुए उनकी जो योजना है उसे हम काम में लिया जाए, ठीक है। ऐसे राजस्थान सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि ये काम कर सकते हैं कि वित्त के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, बालिकाओं को पैसा देने के स्तर पर भी काम करते हैं कि विद्यालय और विद्यालय में कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन कि जो विद्यालय अच्छा काम करेगा, जो विद्यालय अच्छा काम करेगा उन्हें हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार भी देंगे। क्या देंगे? श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार। तो जब आप किसी जगह के प्रिंसिपल हैं या आप जो है किसी स्कूल के टीचर हैं और आपके विद्यालय को श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपकी प्रमोशन में, या आपकी प्रमोशन में आपकी जो है आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोई भी प्रिंसिपल है वो चाहता है कि उसके विद्यालय को श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार मिले, तो इसमें राजस्थान सरकार ने राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सहयोग से यह योजना शुरू की है, जिसमें एक विद्यालय को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है, एक को जिला स्तर पर और एक को ब्लॉक स्तर पर, कि ब्लॉक में प्रथम कौन है, फिर जिला में प्रथम कौन है, फिर राज्य में प्रथम कौन है। इस तीन कैटेगरी के अंतर्गत हर साल लगभग 373 जो विद्यालय है उनको श्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार दिया जाता है, ताकि जो हमारे स्कूल है उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, अच्छी एक बात है। वैसे एक जैसे हमारी बालिकाएं जो है, हमारी बालिकाएं हैं जो, वो भी जो है क्या कहेंगे कि बालिकाएं जो है, ये बालिकाओं के लिए वो भी जो है वो क्या करें कि उनमें जैसे हमने अभी हमने बात की कि जो पुरस्कार उन्हें जैसे टॉपर आती है तो उनको आगे आप हमारी बेटी योजना में आगे के लिए फंडिंग की जाती है, तो अगर वो टॉपर आती है ना तो उनको एक बार में जैसे क्या होता है, एक बार में कुछ पैसा भी दिया जाता है, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें ST SC OBC SBC माइनॉरिटीज और दिव्यांग दिव्यांग वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, ठीक है, बालिकाएं हैं जो 8वीं की टॉपर होगी, 10वीं की टॉपर होगी और 12वीं की, एक एक टॉपर, कितनी, एक एक टॉपर, टॉपर जो जिले में प्रथम है। तो यदि भले वो तीनों की हो, जैसे 12वीं में होगी तो वो होगी, मतलब किसी भी हो सकती है, आर्ट साइंस और कॉमर्स से भी हो सकती है, 8वीं 10वीं में तो कॉमन है, तो 8वीं में यदि कोई एक महिला टॉपर होगी तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में उसको 40,000 रुपये अलग से और प्रदान किए जाएंगे, अच्छी बात है। 10वीं के लिए 75,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और 12वीं की टॉपर है तो उसे 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। अभी राजस्थान सरकार ने ये जो राशि बढ़ाई है, इसी बढ़ी हुई राशि को लेके आया हूँ। आपके पास यदि पुराना कोई कंटेंट है तो उसे मत पढ़िएगा, ठीक है। ये जो सर्वे में उन्होंने कहा कि हमने राशि बढ़ा दी है, ठीक है, बढ़ी हुई राशि है। 8वीं की टॉपर होगी, यदि बालिका 8वीं की जिले में टॉपर होगी तो उसे 40,000 रुपये देंगे, 10वीं की टॉपर होगी तो उसे 75,000 रुपये देंगे और 12वीं की टॉपर होगी तो उसे 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। किस योजना के तहत? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। देखिए आप इसका उपयोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लें, जब महिला शिक्षा की बात आए उसमें इस योजना का उल्लेख कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आए, महिला सशक्तिकरण की बात आए तो उसमें इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। तो आप कई तरीके से इस योजना का आप वर्णन कर सकते हैं, कई तरीके से इस योजना का वर्णन कर सकते हैं। ऐसे आप देखिए कि बहुत, देखिए ये मैं भी चाहता था कि ऐसा राजस्थान में हो कि हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है आमतौर पर हिंदी, और आपको पता है कि अभी IAS का एग्जाम है या इंजीनियरिंग के लिए, तो हिंदी में थोड़ी हिंदी पढ़ के जाते तो इंग्लिश में दिक्कतें आती है। तो राजस्थान सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था वसुंधरा जी की सरकार के समय, कि उन्होंने प्लान किया था कि हम राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल कैसे स्थापित करेंगे, इंग्लिश मीडियम के, CBSE बोर्ड के जो होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम के, जैसे ऐसे CBSE नहीं, RBSE की ही पढ़ाई होगी लेकिन किताबें इंग्लिश की होगी, इंग्लिश मीडियम। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे राजस्थान में तो एक साथ इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश हम स्कूल स्थापित नहीं कर सकते, तो एक इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पिछड़े ब्लॉक है जहाँ पर शिक्षा का स्तर पिछड़ा है, तो वहां पर इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, आपने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, राजकीय मॉडल स्कूल, ठीक है, ये इन्होंने शुरू किया था पिछले ब्लॉक में। लेकिन जो बच गए थे, बच गए जो बच गए ब्लॉक, जिसमें क्या था कि हर एक जिला में एक इन्होंने स्थापित किया, पिछड़े हुए, ठीक है, पिछड़े हुए, लेकिन सारे जिलों में नहीं था, और
उसमें जो ब्लॉक थे उनको पहचान किया गया। लेकिन अब जो बाकी के जो बचे हुए थे उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने किया कहा कि भाई वो पिछले ब्लॉक है भी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए इन्होंने एक नई योजना शुरू की कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना। तो ये दोनों योजना एक जुड़े से दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बार सर्वे में इसका उल्लेख है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वे में इस बार शुरू हुई है अभी, ये योजना 2019-20 की ये योजना, ठीक है। तो एक पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी विद्यालय योजना जो है ये दोनों अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है अंग्रेजी शिक्षा से। गवर्नमेंट स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ही यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है उसी सिलेबस के हिसाब से। लेकिन स्वामी विवेकानंद मॉडल जो है वो पिछड़े ब्लॉक के लिए थी, जैसे TSP वगैरह एरिया है, जैसे जनजाति एरिया उसमें, जबकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना जो है वो किसके लिए है, जो बाकी के बच गए, जो पिछड़े हुए नहीं है बाकी के बच गए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि कक्षा 1 से 12 तक की पूरी जो पढ़ाई है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में है, बहुत अच्छी बात है। कक्षा 1 से 12 तक की जो पूरी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में है। यदि आप माता पिता आपके वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को आपकी जिले में जो है, अब जिले में हर एक जिले में एक गवर्नमेंट स्कूल जो आ गई है जो इंग्लिश मीडियम की है, कोशिश कीजिए कि उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, ठीक है। या आप 8वीं तक अपने गांव में पढ़ाइए फिर उसको आगे भेज दीजिए, ताकि आगे उसका यदि RS IAS इंजीनियरिंग का सपना हो तो वो ईजिली, ठीक है, बहुत अच्छे से वो कर सके। क्योंकि थोड़ी दिक्कत आती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदी की शिक्षा अच्छी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से इंग्लिश ठीक है, उसमें स्कोप ज़्यादा है, ये आप भी मानते हैं। प्रैक्टिकल भावनात्मक स्तर पर तो हम सब हिंदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर बात कुछ और है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि कक्षा 1 से 12 तक के तक पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में करवाई जाएगी। हमारे जो 33 जिला मुख्यालयों में 167 ब्लॉक जो बचे हुए थे वहाँ पर जो है उन्होंने राजकीय महात्मा गांधी राजकीय मॉडल विद्यालय योजना शुरू की है। और अब यहाँ पर उसको साथ में देख लेते हैं, जो देखिए पहले जो थी, पहले ये देखिए पहले जो थी वो क्या थी कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, वहाँ पर भी जो है कक्षा 1 से 12 तक की अंग्रेजी शिक्षा करवाई जाती थी। लेकिन ये किसमें थी, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 134 जो खंड थे, जो ब्लॉक थे, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना इंग्लिश मीडियम से ही है, कक्षा 1 से 12 तक की है, लेकिन इससे है पिछड़े ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये कभी प्रीलिम्स में है तो ध्यान रखना, पिछड़े ब्लॉक के लिए। जबकि जो ये योजना जो है वो बाकी के जो बच गए थे 167 ब्लॉक, ठीक है, उनके लिए है। ऐसे ही सरकार ने एक शाला दर्पण पोर्टल का भी, आप अखबारों में आपने नाम सुना होगा शाला दर्पण पोर्टल, जिसमें क्या था कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के जो समस्त जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कौन से टीचर आ रहे हैं, कितने समय पर आ रहे हैं, कौन से विद्यार्थी है, कौन से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, लैपटॉप साइकिल वितरण है, बच्चों की मॉनिटरिंग वगैरह की जा सके, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टीचर जो है आपने देखा होगा कि अभी भी है थोड़ा बहुत, तो कि 8 बजे स्कूल शुरू होता है तो 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, तो इस प्रकार की समस्या आती है। बच्चों को भी जो छात्रवृत्ति के लिए चुने जाते थे तो उन्हें छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप है वो समय से नहीं मिल पाती है, क्या स्टेटस है, कब मिलेगी, कब उनके अकाउंट में आएगी, तो वो सारी जो जानकारी है वो एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, शाला पोर्टल। इस शाला पोर्टल में हर एक विद्यालय जो जो प्रारंभिक या माध्यमिक, ठीक है, जो 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 लगभग पहली से लगभग फर्स्ट से लेकर जो 10वीं तक के जो स्कूल है उनकी समस्त जानकारी है वो आपको शाला दर्पण पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी। अभी एक नई योजना शुरू की है बहुत, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, कि बच्चों में एक जैसे था ना वो नेहरू सेवा केंद्र लाइक एक नई योजना है पुलिस कैडेट योजना, ठीक है। ये अभी राज्य के 1000 विद्यालयों में लागू की गई है, गवर्नमेंट स्कूल के 1000 विद्यालयों में लागू की गई है, जिसमें बच्चों में एक स्वयं सेवक, ठीक है, एक स्वयं, जैसे कभी गांव में कोई समस्या आ जाती है तो उसमें जो है जो लड़के हैं वो एक लीडर की तरह भूमिका अदा करें, वो जो है लोगों को, जैसे अभी कई राजस्थान के ऐसे गांव हैं जिसमें युवा जो है उन्होंने मिलकर जो भी प्रवासी बाहर से आए उन्हें कहा गया कि आप बाहर नहीं निकलोगे। क्योंकि आप देखोगे कि एक पुलिस थाना के अधीन आसपास में सैकड़ों गांव होते हैं और पुलिस में आप देखोगे कि 20 से 25 लोग होते हैं एक थाने में बड़ी मुश्किल से। अब वो मतलब 20-25 पुलिस वाले कितनी बार राउंड मारेंगे, इतने कभी तो एक गांव में आते कभी वहाँ उस गांव में फिर 4 दिन बाद में आते हैं। तो वहाँ पर यदि कोई युवा एक वर्ग मिलकर यदि लोगों को प्रमोट करें उनको कि आप अंदर ही रहिए, तो इस प्रकार से बच्चों का जो ग्रुप है वो एक तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो एज ए पुलिस का रोल प्ले करे, एज ए पुलिस मतलब एज ए स्वयं सेवक का रोल प्ले करे।
2019-20 में ये योजना शुरू की गई जो राज्य के 1000 विद्यालयों में लागू की गई है। ऐसी एक योजना है मुख्यमंत्री संबल योजना। मुख्यमंत्री संबल योजना, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, ये विधवाओं और परित्यक्ता इन दोनों के लिए ही है। जैसे लास्ट टाइम पूछा था स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से आप ध्यान में रखना कि मुख्यमंत्री जो संबल योजना है वो हमारे विधवा और परित्यक्त, विधवा मतलब कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, परित्यक्त का मतलब होता है कि जो दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको छोड़ दिया गया, टाइप ऑफ काइंड ऐसा है कि, ठीक है, इस प्रकार से है। तो वो यदि किसी भी निजी, जैसे अब विधवा है तो आमदनी कैसे हो उसकी, यदि जो परित्यक्ता है तो वो आजीविका आगे कैसे अपनी चलाए, तो इसके लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ टेक्निकली काम करवाए। जैसे इसमें ये था कि इस योजना में आप देखोगे कि आईटीआई जो कॉलेज है, आईटीआई जो है, जो निजी क्षेत्र के हैं आईटीआई, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग मिले, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए जिससे आगे वो कुछ काम सीख सके। तो ट्रेनिंग के लिए उन्हें 2 वर्षीय डिप्लोमा करवाया जा रहा है सीधा, भले आप अनपढ़ है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में कुछ करने का जुनून है, आपको लगता है कि मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है, राजस्थान सरकार जो है वो मुख्यमंत्री संबल, संबल मिस होता है सपोर्ट, ठीक है, संबल मिस होता है सपोर्ट, तो इस योजना के तहत विधवा और परित्यक्ता को प्रशिक्षण के लिए 2 वर्ष में जो है वो सरकार जो है वो डिप्लोमा प्रदान कर रही है। उसके लिए सरकार जो है वो 9000 रुपये का पुनर्भरण भी कर रही है, बाकी की फंडिंग सरकार कर रही है, 9000 रुपये भी सरकार हर वर्ष के लिए दे रही है। तो इसमें क्योंकि आप देखोगे कि आईटीआई डिप्लोमा के लिए बहुत बड़ी फीस नहीं होती है, तो ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना है। देखिए महिला सशक्तिकरण में भी इस योजना का उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे अब हमने देखा कि भामाशाह पैसा तो खर्च करेंगे, लेकिन भामाशाह पैसा खर्च करेंगे तो भामाशाहों का सम्मान भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रैक्टिकल, आप देखिए कि हमारे जो गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है, तो आपने देखा होगा कि गाँवों में जो है, गाँव के जो भामाशाह है, उन्होंने जैसे रोड बनवाया है स्कूल में, या गार्डन मैदान बनाया, गार्डन बनाया, कोई भवन बनाया है, तो उनको आप देखोगे कि गणतंत्र दिवस पर उनको जो है वो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना, तो सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान एक्चुअल में इस योजना के तहत ही दिया जाता है, ठीक है, भामाशाह सम्मान योजना की। आपने यदि भामाशाह बनकर आए हैं तो हम आपका 1 जनवरी 1995 से कंटिन्यू आपका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो आपको योजना ये ध्यान में रहनी चाहिए, सर्वे में इसका उल्लेख है, पूछी जा सकती है, जिन्होंने स्कूल के भौतिक विकास में काम किया है, सरकार के साथ में एक सह मिलकर जो आगे बढ़कर आए हैं, तो बिल्कुल ये जरूरी है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए जो भामाशाह सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, महिला शिक्षण विहार योजना, लेकिन ये योजना पूरे राजस्थान में लागू नहीं है। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में केवल एक जिले में लागू है, झालावाड़ जिले में। पहली बात तो ये महिला शिक्षण विहार, विहार का मतलब है कि आवास, आवासीय शिक्षा है। देखिए बहुत अच्छी योजना, इसमें क्या है कि 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की तलाकशुदा ऐसी महिलाएं, पहले जो 15 से 30 वर्ष की महिलाएं जिनको तलाक मिला हुआ है, या जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, विधवा है, आदिवासी महिलाएं हैं, या ऐसी महिलाएं जो शिक्षा से वंचित हो गई है, पहले 5वीं तक पढ़ी उसके बाद आगे शिक्षा ही नहीं की है, अब उनके लिए सरकार ने क्या किया कि ये पूरे राजस्थान में, मुझे लगता है कि ये पूरे ऐसी जो स्कूली शिक्षा है ये पूरे राजस्थान में होनी चाहिए। इसमें क्या है कि आपको जो है कक्षा एक से दस तक की आपको शिक्षा यहाँ प्रदान की जाएगी, वो भी आपको हॉस्टल में इसलिए रखा जाएगा आपको, क्योंकि इसमें पढ़ाई तो करवाई जाएगी, पढ़ाई के साथ में उनको सोशल स्टिग्मा जो होता है कि पढ़ने के लिए जाए तो गाँव वाले परेशान ना करें, कुछ ना करें, तो उनको हॉस्टल में ही बुला दिया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पर इनको पढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने बताया था ना कि आईटीआई डिप्लोमा, जो डिप्लोमा है ना, वो इस योजना के साथ इसका अटैच किया गया है कि यहीं पर जो है इनको 2 वर्ष का डिप्लोमा दे दिया जाए, क्योंकि महिला जो है वो हुनरमंद होती है कि इनको 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जाए। वहां पर महिलाओं को डिप्लोमा देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है 12वीं पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो एक क्या कहेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, कह सकते हैं कि उनको जो है डिप्लोमा दीजिए और वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसमें 10 कक्षा 10 तक की आवश्यक शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसके इनके जीवन स्तर में सुधार हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, उनको जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सके ताकि जो है आगे जाकर अपना कुछ व्यवसाय जो है छोटा मोटा खड़ा कर सके। लेकिन ये योजना महिला शिक्षण विहार योजना जो है वो मात्र झालावाड़ जिले में ही संचालित है। RS मेंस आपके अगले के लिए 5 नंबर के सवाल के लिए रेडी रखना, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और जब आप मेंस में अपना उत्तर लिखे
महिला शिक्षा के बारे में या शिक्षा के क्षेत्र में तो इस योजना का जरूर उल्लेख करें और निष्कर्ष में लिखे कि इस प्रकार की योजना जो है वो पूरे राजस्थान में शुरू करनी चाहिए, ताकि आवासीय है, जैसे आपने सुना होगा कि कस्तूरबा जो है वगैरह है विद्यालय शिक्षा, तो वो उनके लिए है जो कंटिन्यू जो है छात्राएं पढ़ रही है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो जिनका तलाक हो, लेकिन आप बोला ना कि आपने कोई चीज छोड़ दी या आपको मौका नहीं मिला, लेकिन अचानक से है वो, आप जब आपके सामने ऐसी घटनाक्रम आता है और आप सोचते कि मुझे एक बार पढ़ने का मौका मिल जाता तो मैं कुछ कर पाती, लाइक ऐसा एक जो, तो उसमें ये योजना देखिए, तो उनको कहिए कि बिल्कुल ये योजना ऐसी योजना है जिसमें आप जो है अपना जीवन अब भी सुधार सकती हैं। तो झालावाड़ जिले में ही संचालित है, लेकिन इसे आगे और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सक्षम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वन ऑफ काइंड इनिशिएटिव है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखिए नाम से ही सक्षम, इसमें जो है बालिकाओं को आत्मरक्षा जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि स्कूल जाते जाने के समय जो है उनको कोई छेड़ ना या अपना वो बचाव कर सके। ठीक है, तो इसमें जो है प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इससे कहते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनमें सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, फिर कई ऐसी बालिकाएं या कई ऐसे अभिभावक जिन्हें ये लगता है कि यदि उनके लड़की जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें जो है अगर वो आत्मरक्षा उनके पास में है, एक बेसिक उनको किस प्रकार से सुरक्षित रहना है, तो इस प्रकार की अगर प्रशिक्षण है तो बच्चियाँ जो है उनका नामांकन भी बढ़ता है और ठहराव भी बढ़ता है। आमतौर पर जो है माता पिता सोचते हैं कि नहीं अब जो है इनको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि शिक्षकों को भी समझाया जा रहा है कि आप जो है ऐसा माहौल प्रदान कीजिए कि जो है इनको आत्मरक्षा भी प्राप्त हो सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वन ऑफ काइंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण है। और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, आपने देखा होगा कि अब मेरी खांसी में भी थोड़ा रिलीफ है ना, बहुत बीच में तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि कंटिन्यू 15 दिन से जो ये समस्या आ रही थी, तो फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए, एवरीथिंग इज ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो पर वही था, घर से चिंतित थे तो घर आना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सक्षम ध्यान में रखना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ही है देख लेते हैं। मीरा पुरस्कार जो है वो टॉपर्स को दिया जाता है, जो 12वीं की टॉपर है उन्हें दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस राशि को बढ़ा दिया गया, बस इतना ध्यान रखना कि राज्य स्तर पर टॉपर है उनको 21,000 रुपये मीरा पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे और जिला स्तर पर जो टॉपर है उनको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 11,000। अब एक ये नई योजना है जो कभी सर्वे में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन इस बार है। मैंने इसको बहुत ढूंढा लेकिन इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वेबसाइट पर वगैरह, लेकिन सर्वे में इसका उल्लेख था तो मुझे लगा कि बिल्कुल हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपके सवाल है एकल पुत्री दो पुत्री पुरस्कार योजना, आपने भी शायद पहली बार सुना होगा एकल पुत्री दो पुत्री पुरस्कार योजना, जिसमें केवल ये लिखा है कि एकल पुत्री की, इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसे जो हमारे बीपीएल समुदाय के जो लोग हैं या जिन्होंने जो है दसवीं और बारहवीं में यदि उनको लगता है कि भाई की अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और राज्य सरकार उनका कंसिडर करती है कि उन्हें आगे शिक्षा करनी है, तो राजस्थान सरकार जो है वो राज्य स्तर पर जो है वो 12वीं तक की जो महिला है उन्हें छात्रा है उसको 21,000 रुपये 51,000 रुपये छात्रवृत्ति देती है, 10वीं तक की जो छात्रा है उसे 31,000 रुपये छात्रवृत्ति देती है और जिला स्तर पर 10वीं और 12वीं तक की जो छात्रा है उसे 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है इस योजना के तहत, लेकिन बीपीएल समुदाय से जुड़ी हुई है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बीपीएल समुदाय से जुड़ी हुई है। ये ध्यान रखना है, तीन राशि ध्यान रखना, 11,000, 31,000 और 51,000, ये दोनों जो है वो राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य स्तर पर ये 12वीं के लिए, ये 10वीं के लिए और ये जिला स्तर पर है 10वीं और 12वीं के लिए। ठीक है, जिला स्तर पर 10वीं और 12वीं के लिए। बाकी इस योजना के बारे में मुझे नहीं मिला और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये योजना जितना लिखा है उतना ध्यान रखना है, ये भी लिखा तो हमारा काम हो जाएगा, एकल पुत्री दो पुत्री पुरस्कार योजना ध्यान में रखना। कुछ नए इनिशिएटिव है छोटे छोटे, जैसे एक चौपाल बाल सभा कार्यक्रम की भी राजस्थान सरकार ने जयपुर से शुरुआत की 9 मई 2019 से, चौपाल बाल सभा की। बड़ों की तो बाल सभा होती है, मतलब बड़े लोग तो बैठते हैं, लेकिन बच्चों की बाल सभा, एक नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की बाल सभा जो है वो बढ़ाई जाती है और बैठाई जाती है और बच्चों से संवाद किया जाता है, क्या समस्या आ रही है, शिक्षा में कैसा हो, क्या काम करना चाहिए। तो ये चौपाल बाल सभा 9 मई 2019 डेट ध्यान रखना, अभी शुरुआत की।
इसी प्रकार एक हरित पाठशाला एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों से जो है विद्यालयों में वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। एक अभी संवाद कार्यक्रम शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, एक अभियान की तरह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है संवाद, जिसमें शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जा सके। तो समय समय पर आप देखोगे कि एक संगोष्ठी आयोजित की जाती है, विश्वविद्यालयों में सम्मिट किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, जो बड़े बड़े शिक्षा के एक्सपर्ट हैं उनके साथ जो है संवाद किया जाता है कि बताइए हम राजस्थान की शिक्षा की जो सुविधा है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। गोष्ठियाँ होती है, कोटा मंडल जो शिक्षा में अलग अलग संकुल जो मंडल है ना, कोटा मंडल से इसकी शुरुआत हुई है संवाद कार्यक्रम की। आपसे केवल ऐसा भी प्रीलिम्स में सवाल ऐसा आएगा कि संवाद कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, संवाद कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ठीक है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पर्यटन से या उद्योग से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से, कि शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्ता के स्तर पर सुधार किया जाए। कोटा मंडल से इसकी शुरुआत हुई है, इससे ध्यान में रखना। आपने इसका नाम तो बिल्कुल सुना होगा, राजीव गांधी करियर पोर्टल। बिल्कुल आपने सुना होगा कि हमारे जो भी लड़के जो हैं वो अभी जो कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12वीं तक के आने के बाद में उनको कई बार ये समस्या आती है कि मेरा भविष्य किस प्रकार से हो। वैसे तो 10वीं में ही आ जाती है, तो 9 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल है कि किसमें वैकेंसी है, क्या है, कौन सी वैकेंसी आती है। जैसे टू बी ऑनेस्ट, जैसे गांव का लड़का होता है उसे आमतौर पर पता ही नहीं होता है कि एक एनडीए का एग्जाम भी होता है। वो साइंस अगर ले भी लेता है तो उसको बड़ी बाद में पता लगता है कि एनडीए का एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम भी होता है। सिटी में जो लोग रहते हैं वो थोड़ी जानकारी उनके पास रहती है। तो 12वीं तक तो जैसे गांवों में स्कूल होती है तो वहां पर छात्रों को पता भी नहीं होता है कि किस 12वीं में भी कौन कौन से एग्जाम होते हैं। जैसे क्लैट का एग्जाम देकर जो है वो लोग आगे जो है वकालत के लिए जा सकते हैं, जज की अपनी तैयारी कर सकते हैं, नहीं पता होता है। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें क्या था कि राजस्थान सरकार ने यूनिसेफ इंडिया जो है, यूनिसेफ इंडिया ये ध्यान में रखना है, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से कक्षा 9 से 12 तक के जो भी छात्र है उनकी परीक्षा है, छात्रवृत्ति है और रोजगार के कोर्स के लिए मार्गदर्शन के लिए उनको वहाँ बताया जा रहा है। पोर्टल में जो है वो कैरियर ये गाइडेड पोर्टल है, जिसमें जो है आपके आपको लॉग इन आई डी करनी होगी, छात्र का एक यूनिक आई कार्ड होगा जिसमें आपकी सारा दर्पण जो आईडी, जैसे हमने बात की रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, इनसे जो है आप जो है लड़का जो लॉगिन करेगा, जिसमें उसको रोजगार कोर्स की भी जानकारी मिलेगी कि आगे मैं कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको लेकर मैं अपना कैरियर संभाल सकता हूँ। हालांकि ये पोर्टल आया है लेकिन अभी भी आप देखोगे कि ये शहरों तक ही है, इसकी जागरूकता आज भी गाँवों में नहीं है। बहुत अच्छा पोर्टल है, राजस्थान सरकार का है, जिसमें भारत में जितनी भी रोजगार संबंधी जानकारी वगैरह है, छात्रवृत्ति, परीक्षा कौन कौन सी होती है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, SSC की कौन सी एग्जाम 10वीं के बाद दे सकते हैं, कौन सी 12वीं के बाद, वो सारी जानकारी, एयरफोर्स वगैरह की सारी जानकारी जो है यहाँ पर राजीव गांधी करियर पोर्टल पर है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी पहल है, जागरूकता संबंधी एक पहल है, ध्यान में रखना है। सर्वे में इसका उल्लेख था समग्र शिक्षा, भारत सरकार का ये कार्यक्रम है, बहुत सिंपल है। इसमें पहली चीज़ तो ये कि आपने देखा होगा कि तकरीबन 2 साल पहले एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें राजस्थान, जिसमें भारत सरकार ने 3 जो योजनाएं चल रही थी उनको, या 3 कार्यक्रम चल रहे थे उनको एक जगह लाया। एक था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसे कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक था टीचर एडुकेशन, ठीक है, टीचर एडुकेशन। तो इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, क्या कहा, समग्र होलिस्टिक एडुकेशन, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। तो पहली बात तो ये आपके प्रीलिम्स में ध्यान में रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 3 पूर्व की जो 3 कार्यक्रम थे उनको शामिल किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एडुकेशन, इन 3 को शामिल किया गया, जिसमें क्या है कि हमारी जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो है इसका सार्वभौमिकरण, यानी कि ऐसे लोग सर्व शिक्षा अभियान में, ऐसे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं कर पाए लेकिन आज भी उनको शिक्षित किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है, उनका सार्वभौमिकरण किया जाए, उनको प्राथमिक शिक्षा हो जिससे माध्यम से जो है लिटरेसी रेट बढ़े, साक्षरता दर राजस्थान में बढ़े। तो गुणवत्ता शिक्षा है, अधिगम के परिणामों को उन्नयन बना, अधिगम यानी लर्निंग अच्छी करनी है, सामाजिक और लैंगिक अंतराल को कम करना है। जैसे आमतौर पर देखोगे कि स्कूलों में भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें लड़कियां जो आगे वाली रो में बैठती हैं उनकी संख्या कम होती है, एक लाइन में सारी लड़कियां स्कूल की आ जाती है क्लास की, लेकिन लड़के आप देखोगे कि पीछे तो है वो सैकड़ों की संख्या में। तो कितना एक जेंडर डिस्पैरिटी है, आप देखोगे एजुकेशन में कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है।
क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों को आगे स्कूल के लिए भेजते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आगे अपने बच्चियों को स्कूल के लिए भेजते हैं। तो सर्व शिक्षा माध्यम के मैया समग्र शिक्षा के द्वारा उनको घर पे ही पढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि किसी गली की एक जो लड़की होती है वो रात को जो है उनको आराम से पढ़ाती है, आपने देखा होगा। तो अंतराल जो होगा कम होगा, स्कूली शिक्षा में समता आएगी, समावेशिता आएगी, विद्यालयों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित हो सकेंगे, शिक्षा का व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। फिर इसमें जो है आप देखोगे कि बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 2009 लागू किया गया था, जिसमें ये था कि लगभग जो है 25% सीटें जो है वो आपको जो है जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे आपको प्रदान करनी है, ठीक है। शिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे है तो इसमें शामिल किया गया है, जैसे जिला स्तर पर उनको जो है, आप नाम सुना होगा डाइट का, नाम सुना होगा DEIT, इसको ये नोडल एजेंसी बनाई है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो है जो नोडल एजेंसी उसको बनाया गया है, ताकि जो है ये विद्यालय और टीचरों के प्रशिक्षण के लिए, आपने देखा होगा कि जैसे समय समय पर जिला स्तर पर डाइट में जो है टीचरों का प्रशिक्षण करवाया जाता है। इसमें जो है फंडिंग जो है वो 60-40 का रेशियो है, 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च कर रही है और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार खर्च कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान, ये निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा अभियान जो है ना, बड़ी अच्छी, ये देखो ये अधिनियम जो है 2009 में लागू किया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। और आपने सुना होगा कि हमारा आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये अधिनियम 2009 में आया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसमें कहा गया है कि आपको जो है जो निजी विद्यालय है सरकार के साथ में, जो निजी निजी विद्यालय है उसमें आपको 25% जो सीटें हैं वो कमजोर और वंचित बालक बालिकाओं के लिए आपको आरक्षित करनी ही होगी, और आपको उनको निशुल्क प्रवेश आपको करवाना होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। देखो आपने देखा होगा कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में तो ये सारे हमारे वंचित वर्ग के लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, आपने वो मूवी देखी होगी इरफान खान साहब की कि हिंदी मीडियम में आपने देखा होगा कि जब एडमिशन नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो गरीब बन जाते हैं। गरीब क्यों बनते हैं? गरीब बनकर जो है गरीब बन जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट के तहत जो है 25% जो सीटें हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में जो है, बड़ा भले ही वो प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज स्कूल हो, वो बहुत बड़ा हो, उसकी फीस कोई भी ज़्यादा हो, तो उसमें 25% जो सीटें, 100 है तो 25 सीटें जो है वो किसके लिए होगी? BPL ST SC के लिए होगी। तो यदि वो कहते हैं कि हम ST, उनका क्या होता है कि ऐसे जनरल में वो सब कुछ दे देते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता उनकी बेटी का, तो वो सोचते हैं कि हम गरीब बन जाए, तो वो देखो झुपड़पट्टी में आकर रहने लगे, गरीब बन जाए। और गरीब बनकर यदि हमारे पास में हमारी बच्ची को, हम इस एक्ट के तहत यदि 25% में हमारी बेटी शामिल हो जाता है, एडमिशन मिल जाएगा। आमतौर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि राज्य सरकार जो है वो इतनी निगरानी नहीं कर पाती है। राजस्थान सरकार ने ये जो है आप देखोगे कि RTRajasthan.NIC.in जो है इसको भी इन्होंने विकसित किया गया है, और क्या सरकार क्या कहती है कि आप जो है 25% जो जो निचले जो ST SC समुदाय के लोग हैं उनको आप जो है अपने स्कूल में बैठाइए, उनकी जो सारी फीस जो होगी वो हम पे करेंगे। और सरकार ने 2019 तक लगभग प्राइवेट जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय उनको 245 करोड़ का रुपए का पुनर्भरण यानी उनको हस्तांतरित किया है। आप देखोगे कि कई तो ऐसे टीचर जो है, कई तो ऐसे स्कूल है वो झूठे कागजात वगैरह बनाकर भी भेज देते हैं कि हमने जो है इतने गरीब लड़कों को हमारे जो है हमारे हमने हमारे स्कूल में पढ़ाया। तो अच्छा इनिशिएटिव तो अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल है उसमें भी हमारे जो है गरीब वंचित वर्ग के लोगों को स्कूली शिक्षा मिल सके और फ्री में मिल सके, इस एक्ट के तहत लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अब शिक्षा में कुछ नवाचार हुए, एक एक लाइन में जो सर्वे में थे, लेकिन मुझे वो बताने बहुत जरूरी थे क्योंकि आपके दिमाग में अगर रह भी तो काम हो जाएगा। जैसे एक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट और जो निजी क्षेत्र के जो जो भी स्कूल है उसमें बच्चों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण भी हो, इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो कैसा हो ये भी है। यूनिसेफ की सहायता से 10 से 19 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया नियंत्रण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। राज्य में 319 लगभग कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी जो लागू है, 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय भी राजस्थान सरकार में कार्यरत है। शैक्षणिक किशोरी मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें बालिकाओं में गणित और विज्ञान के प्रति जो है रचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो विकसित किया जा रहा है, शैक्षणिक किशोरी मेले। इसके अलावा रीडर भत्ता उन बच्चों के लिए है जैसे वो दिव्यांग वगैरह हैं, तो ऐसे लोगों को रीडर भत्ता भी दिया जा रहा है। और जो हमारे
स्पाइडेंट भत्ता जो है, स्पाइडेंट भत्ता जो वो हमारे विशेष रूप से बालिकाओं को भी दिया जा रहा है। फिर एक डेजी डेजी प्लेयर जो है, जिसमें जो हमारे दृष्टि बाधित जो है, जो देख नहीं पाते हैं, तो उनको डेजी प्लेयर के माध्यम से जो है उनकी शिक्षा प्रदान की जाए। तो एक ऐसा इन्होंने एक ऐसा कॉम्पोनेंट भी विकसित किया है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विकसित किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो दृष्टि बाधित जो भी लड़के लड़कियां हैं, वो आराम से अपनी पढ़ाई सुनकर कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि सरकार ने जो है कक्षा 9 से 12 तक के सभी जो छात्राएं हैं, सभी जो छात्राएं, उनकी ट्यूशन फीस की छूट दी गई है। यदि गवर्नमेंट टीचर जो है वगैरह जो है वो अपने यहाँ स्कूल के बाद ट्यूशन भी करवाता है, तो आप ट्यूशन के पैसे जो है छात्राओं से मत वसूल कीजिए। वी विल फंड यू छात्राओं के लिए। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा देखोगे कि राजस्थान में शारदे बालिका छात्रावास भी है। राजस्थान में लगभग 186 शारदे बालिका विद्यालय कार्यरत है। इसके अलावा राजस्थान ने अभी एक्ट पारित हुआ, उसमें 21 कैटेगरी को दिव्यांग एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, कि 21 जितने भी टाइप से, यानी 21 प्रकार के दिव्यांग जो है टाइप शामिल किए गए, ताकि उनको जो है अच्छे से शिक्षा मिल सके, उनको जो है लाभ मिल सके, उनको जो है लाभ मिल सके। अब आपके लिए लिखने के लिए एक सवाल है, आपके लिए मेंस में। देखिए, पहले लिखने के लिए सवाल से मैं पहले आपको एक बार पुनः रिविजन, आपके शिक्षा में से सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपकी शिक्षा में से सवाल बाहर नहीं जाएगा। पहले पढ़ा के आपको एक बात बता दूं, पहले कहा क्या पढ़ा है हमने, टॉप कंटेंट है, इससे चीजें बाहर नहीं जाएगी। और किसी किताब पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स राजस्थान की तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमने शिक्षा की बात की। शिक्षा में हमने एक मोटी रूप से समझ, छात्र शिक्षा अनुपात क्या है, निजी क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा है वो हमने देखा। इसके बाद शिक्षा से जुड़ी योजनाएं देखी, जिसमें हमने रेस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, सवाल आपसे बन सकता है, कई एग्जाम जो हुए उसमें भी ये सवाल पूछा गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। मीना राजू गार्गी मंच, अध्यापिका मंच हमने कवर किया, परिवहन वाउचर योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, आदर्श विद्यालय योजना, क्रीक योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटी का, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ज्ञान संपर्क पोर्टल, श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना, शाला दर्पण पोर्टल, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, मुख्यमंत्री संबल योजना, भामाशाह सम्मान योजना, महिला शिक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सक्षम स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल, मीरा, एकल पुत्री दो पुत्री, सपाल बाल सभा, ये राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, बिल्कुल अपने उत्तर में आप मेंशन कीजिए। और समग्र शिक्षा बारे में हमने बात की। फिर शिक्षा क्षेत्र में नवाचार देखे, और अभी आपके लिखने के लिए एक जो है इसका उत्तर मैं आपको कल जो वीडियो होगा, देखिए आपके डाउट होंगे मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद आपके डाउट का जो उत्तर है वो मैं कल क्लास में आपका देखूंगा। और इसके बारे में जैसे कल हमारी क्लास होगी ना, तो उसके बारे में पहले मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो आपका क्या होगा कि आज के सवाल को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये भी थोड़ा बहुत पता लगे कि उत्तर लिखने में क्या क्या है, सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सवाल है आपका लिखने के लिए, आप अपने स्तर पर लिखिए और अपने स्तर पर उसे चेक करना। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए रेस मॉडल की उपयोगिता का मूल्यांकन करें, यह आपके 10 नंबर का जो सवाल है, लगभग 150 पेज, यानी 1.5 पेज में आप इसे लिखिए। पहले आपको 150 पेज में लिखवा, 150 शब्दों में लिखवा रहा हूं, ताकि आप जो है लिखने की आपकी धीरे धीरे कला विकसित हो। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए रेस मॉडल की उपयोगिता का मूल्यांकन करें। अब प्लस पर जो है, प्लस पर आप देखिए, प्लस पर मेरे जो है कोर्स कई शुरू हो चुके हैं, जिसमें कुछ दिन में और जो है क्लासेस शुरू होगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं, वहां पर मेरे वीडियो अवेलेबल है, भले ही आप जुड़ते हो। और आपके आरएस की जो पूरी फीस जो है, आरएस की पूरी जो फीस है वो मात्र 8,400 रुपये है। आपके आरएस प्री प्री और मेंस की पूरी फीस 8,400 रुपये है। उसमें भी आप यदि मेरा कोड सुरेश10 यूज करते हैं, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और यही जो है आरएस की पूरी फीस जो है वो आपको मात्र 7,560 रुपये में आपके लिए अवेलेबल होगी। बहुत कम है, आप जयपुर में किसी कोचिंग क्लासेस के नोट्स भी मंगवा लोगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके ले लेंगे वो। ठीक है, और यदि आप जो है मुझे आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7568 9444 6। ठीक है, ये 4446 है, ये ध्यान में रखना, 7568 9444 6 पर, 6 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लस पर जुड़िए, वहां पर तो है हम डेली मॉडल आंसर की जो है हम तैयारी करते हैं, और वहां पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। कोरोना के देखिए, वहां पर 2 साल आपको टाइम दिया गया है, कि 2 साल तक आप जो है इस पोर्टल के थ्रू जुड़ सकते हैं 7,560 रुपये में। क्योंकि क्या कोरोना के कारण यदि एग्जाम अगी 5-6 महीने और आगे चला जाता है, तो आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन होगा। हालांकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2 साल तक आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर वहां पर जो है क्लास के नीचे ही आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन है, जैसे मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये जैसे ही वहां पर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जो है उसमें अलग और चीजें हम वहां कवर करेंगे, अलग सब्जेक्ट है, वहां पर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करवा रहा हूँ, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा।
दो वहां पर क्लास के नीचे पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन है, सीधा ये जो है पीडीएफ डाउनलोड आपका हाथोहाथ हो जाएगा। तो सुरेश 10 मेरा कोड है, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप कई लोगों का मैसेज आया था कि सर आप कब मिलोगे, हमें जल्दी आइए, वी विल वेट यू, मिस यू। तो आपके लिए मैं बिल्कुल, मैं आपके लिए आज से शुरू किए मैंने क्लासेस, और रेगुलर हम मिलते रहेंगे और अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आई होप आपने ये लेक्चर इन्जॉय किया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। और नोट्स बनाओ तो नोट्स बना लेना, और प्लस पर जुड़ना चाहो तो ये मेरा कोड है सुरेशन, याद करना। और मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, बिल्कुल मैं कहूँगा आप अपना जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि राजस्थान में जो कोरोना के केस आ रहे जो है ना, वो विदाउट सिम्टम वाले केस आ रहे हैं ज़्यादातर, विदाउट सिम्टम वाले केस की उसमें लक्षणों का पता नहीं है, ठीक है। आप इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और कोरोना से बचने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप सामने वाले को हमेशा ये समझिए कि वो कोरोना का पेशेंट, मतलब वो कोरोना इन्फेक्टेड है, तो आपके अंदर एक कॉन्शियस आप रहोगे कि नहीं मैं, मुझे किस तरीके से है अपने आप को संभालना है। तो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे हम।